अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ योर रिकॉर्ड। आज के स्टूडियो में हम बात करेंगे रिलेटेड टू कराची यूनिवर्सिटी। मैंने आपके बहुत से कुछ कॉमन क्वेश्चंस को पिक आउट किया और उनका रिप्लाई करूंगा इस वीडियो में। वीडियो के लास्ट में आपको कुछ सजेशंस दूंगा और आपके लिए लास्ट में एक बड़ा स्पेशल सा गिफ्ट है, सो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर हमसे एक क्वेश्चन ये है कि सर, अगर आईडी पहले से बना लिए तो क्या एडमिशन्स के वक्त या क्या आप लॉगिन दोबारा कर सकते हो उसी आईडी के थ्रू? तो बिल्कुल किया जा सकता है बेटा। अभी आपकी आईडी लॉगिन नहीं हो रही होगी, सही है। उसका रीज़न यह है कि आप ऑफिशियली KU के स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड नहीं हो, आपके डॉक्यूमेंटेशन आपकी इन्फॉर्मेशन वहाँ सेव नहीं है। तो जैसे ही एडमिशन्स अनाउंस होंगे और मोस्ट प्रोबेबली आपके कल जो है वो आपका एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी न्यूज़पेपर में, वेबसाइट पर, न्यूज़ में, तमाम जगह आपके एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी कि 21 नवंबर से आपके एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, एडमिशन फॉर्म्स ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। फिर देन आप अपनी आईडी को लॉगिन कर सकते हो जिन्होंने आईडी बना लिए पहले से। तो आप ये बार बार आईडी को लॉगिन ना करें, आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं और परेशान भी होंगे। सो आईडी बिल्कुल लॉगिन हो जाएगी, इसमें कोई घबराने वाली टेंशन वाली बात नहीं है। 21 नवंबर को आपके एडमिशन फॉर्म्स अनाउंस हो रहे हैं, तो आप अपना एडमिशन फॉर्म इजीली फिल आउट कर सकते हैं और टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट में किसी में भी फिल कर सकते हैं। कुछ सजेशंस हैं वो आपको वीडियो के लास्ट में दूंगा कि कौन सी गलतियां नहीं करनी एडमिशन फॉर्म फिल करते वक्त। अच्छा जी सर, एडमिशन ओपन होने का कितने डेज बाद एनटीएस टेस्ट लेती है? तो अच्छा क्वेश्चन है, यानी एटलीस्ट 2 वीक्स आपको एडमिशन फॉर्म में लग जाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि दिसंबर के सेकंड पीरियड या दिसंबर के सेकंड वीक में आपका, सेकंड वीक के लास्ट में आपका जो है वो, या मिड ऑफ दिसंबर या फिर आप एंड ऑफ दिसंबर में आपका टेस्ट पॉसिबल है। लेकिन जो ज़्यादातर चांसेस हैं, लास्ट ईयर भी होता रहा या उससे पहले भी, दिसंबर के मिड में आपका टेस्ट हो जाता है टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट के। तो इस बार थोड़ा सा डिले हुआ है क्योंकि एडमिशन फॉर्म में, तो आप दिसंबर के एंड तक आप एक्सपेक्ट करें कि आपके मॉर्निंग के टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे एंट्री टेस्ट के। और एंट्री टेस्ट जो है वो एक साथ तमाम बच्चों का कंडक्ट किया जाता है। तो इसमें क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं, एंड प्रोज एंड कॉन्स, उसकी तमाम चीज़ों को एंड में डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ओपन मेरिट लिस्ट कब आएगी के यू मॉर्निंग शिफ्ट? अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम। ओपन मेरिट लिस्ट की बात उस वक्त की जाएगी जब टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट के एडमिशन फॉर्म फिल आउट हो जाएंगे, उनका टेस्ट हो जाएगा, देन ओपन मेरिट की बात होगी। ओपन मेरिट का होता क्या है कि ओपन मेरिट आपके, जब आप टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट में अप्लाई कर दोगे ना, फिर जैसे ही टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करोगे, एडमिशन फॉर्म फिल आउट हो जाएंगे, तो उसके शायद 1 या 1.5 हफ्ते बाद, आप 1 से 2 वीक्स बाद आपके ओपन मेरिट के एडमिशन फॉर्म ओपन होंगे, सही है। टेस्ट से भी पहले, एंट्री टेस्ट से पहले ओपन मेरिट के एडमिशन फॉर्म ओपन होंगे, तब आप देन आप ओपन मेरिट में आप अप्लाई करेंगे, देन एंट्री टेस्ट कंडक्ट होगा टेस्ट बेस वालों का, देन उनकी लिस्ट आएगी, देन ओपन मेरिट का प्रोसीजर स्टार्ट होगा। तो ये तमाम चीज़ें इस तरह से लाइनअप हुई हुई हैं, यानी पहले आप टेस्ट बेस डिपार्टमेंट के एडमिशन फॉर्म फिल आउट करोगे, उसके कोई 1 से 2 हफ्ते बाद आपके ओपन मेरिट के एडमिशन फॉर्म ओपन होंगे, देन आप उसको फिल आउट करोगे, देन आप एंट्री टेस्ट जिन बच्चों ने टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट में अप्लाई किया होगा उनका टेस्ट होगा, उसके बाद कहीं जाकर ओपन मेरिट का प्रोसीजर जो है वो ऑफिशियली स्टार्ट होगा। सर इस बार सॉफ्टवेयर का क्या एक्सपेक्टेड है? तो बेटा लास्ट ईयर अगर बात की जाए तो BScS यानी कंप्यूटर साइंस, बैचलर इन कंप्यूटर साइंस आपकी 90.09% के ऊपर क्लोज हुई, जबकि बैचलर ऑफ साइंस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 90.45, यानी जिसे UBIT कहा जाता है, UBIT के दोनों डिपार्टमेंट से 90.45 पर, दोनों 90.45 और 90.09 ये क्लोज हुई। तो और ये दोनों मॉर्निंग के लिए बता रहा हूँ, इवनिंग के लिए अराउंड 85 तक गया था आपका मेरिट। इसी तरह डॉक्टर फार्मेसी मॉर्निंग में 94.09 को टच किया और इवनिंग में 90.30 को टच किया। तो अब आप सोच रहे होंगे सर इस बार तो हाई ना चला जाएगा? बिल्कुल हाई नहीं जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लास्ट ईयर क्योंकि 3 सब्जेक्ट्स के आपके पेपर हुए थे साइंस सब्जेक्ट्स के, और परसेंटेज मतलब आपको बंटी थी, सही है, परसेंटेज जो थी ना वो सबको दी गई थी। तो इस वजह से इस साल तो 5 सब्जेक्ट से आपके पेपर हुए हैं और आपके जो राउंड ऑफ आप कह सकते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो मेरिट बनेगा वो अराउंड ईव मॉर्निंग के लिए 82 तक क्लोज अप होगी और 82-83 समथिंग इतना होगा, 81 आप कह सकते हैं, और इवनिंग के लिए 75 से 78 एक्सपेक्टेड है, सही है। तो ये दो चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी फार्मेसी का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं इस बारे में। अच्छा जी, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको बड़ी एहतियात करनी होगी एडमिशन फॉर्म फिल करते हुए? तो 21 नवंबर को जब आपके एडमिशन फॉर्म ओपन हो जाएंगे तो फौरन जल्दी नहीं करनी बेटा कि मैं फौरन जो है ना वो एडमिशन फॉर्म को फिल आउट कर दूं और कुछ सोचा नहीं समझा नहीं। पहले आप किसी की भी, किसी भी चैनल की, मैं ये नहीं कह रहा मेरी,
किसी भी चैनल की एक गाइड वीडियो उठाकर लास्ट में देखो कि वो क्या कह रहा है, क्या क्या चीज़ें एडमिशन फॉर्म फिल वक्त करते वक्त क्या करनी है, कौन सी नहीं करनी, तमाम चीज़ें। पहली तो चीज़, एक मैंने वीडियो बनाई हुई भी है कि आपने एडमिशन फॉर्म को कैसे फिल करना है। पहले तो किसी भी चैनल की ये वीडियो उठाकर आप पूरी कंप्लीट देखो ताकि आप मिस्टेक ना करो। सेकेंड चीज़, सेकेंड थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपने अपलोड जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो बड़े केयरफुल कर रहते हुए करना है, सही है, सेफ साइट पर रहते हुए करना है। क्यों? आपने अक्सर वेबसाइट पर डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे लेकिन वहाँ क्रॉस का साइन भी होता है, यानी आप कैंसिल भी कर सकते हो, दोबारा अपलोड कर सकते हो। लेकिन KU की वेबसाइट में एडमिशन फॉर्म फिल करते वक्त जब भी आपने कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, एक दफ़ा अगर वो डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया तो दोबारा वो कैंसिल नहीं हो सकता। अगर आपने ये मिस्टेक कर दी तो फिर आप परेशान होते रहेंगे, आप कॉन्टैक्ट हमसे भी करेंगे, आप KU के मैनेजमेंट से भी करेंगे, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो याद रखिएगा, क्रॉस का निशान नहीं होता, डॉक्यूमेंट एक दफ़ा अपलोड हो गया देन वो हो गया, अब वो कैंसिल नहीं होगा। इसी तरह जो आप साइन अप करेंगे, जो बच्चे साइन अप नहीं किया हुआ, जिन्होंने जब एडमिशन फॉर्म अनाउंस होंगे तब वो करें साइन अप, तो CNIC अपना यूज करें। अगर CNIC नहीं बना हुआ तो बेफॉर्म अपना यूज करें, बेफॉर्म नंबर अपने पेरेंट्स का, ब्रदर का, किसी का नहीं करना, अपना करना है। इसी तरह डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रेडी करने हैं, मैट्रिक की मार्कशीट हो गई, सर्टिफिकेट हो गया, इंटर की मार्कशीट हो गई जो कि अभी आपके पास आई नहीं होगी लेकिन आ जाएगी, CNIC, बेफॉर्म, यानी दोनों में से कोई भी एक चीज होनी चाहिए। अगर आप ओवर 18 हैं तो CNIC, अगर अंडर 18 है तो बेफॉर्म। डोमिसाइल इफ, क्या अगर आप कराची बोर्ड से बिलोंग नहीं करते, सही है, यानी सिंध वाले जितने भी हैं आपको, सिंध अंदरून सिंध से जितने भी हैं उनको डोमिसाइल चाहिए होगा, तो कराची बोर्ड से जो है वो उनको डोमिसाइल की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसी तरह जो अंदरून सिंध के हैं, क्या उन्हें हॉस्टल की भी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है कराची यूनिवर्सिटी में? बिल्कुल की जाती है, तो इस सिलसिले में भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सो, ये कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, कुछ ऐसे बुलेट पॉइंट्स हैं जो कि आपके साथ शेयर करना लाजमी ज़रूरी थे, कुछ कन्फ्यूजन थी स्टूडेंट्स की तरफ से भी। अच्छा जी, और एक बड़ा अच्छा सजेशन आप लोगों के लिए, जो मैंने आपको इस पेज के ऊपर आपको तमाम सजेशन मैंने आपको दे दिए, एक अच्छा गिफ्ट जो आपके लिए, वो ये है कि भाई मैं जल्दी ही एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जिसमें कौन कौन से चैप्टर्स को हम कवर अप करें, क्योंकि अब हमारे पास नंबर ऑफ डेज कम है ताकि हमारी तैयारी अच्छी हो सके और हम टेस्ट एटलीस्ट पास कर लें, क्योंकि हमें टेस्ट पास ही करना है, अच्छे नंबर थोड़ी लेने हैं, पास करना है भाई, क्योंकि आपका मेरिट यहाँ पर सिर्फ आपके FSC परसेंटेज पर बनता है, यानी आपका जो FSC परसेंटेज है वही आपका मेरिट है। अच्छा, कौन से चैप्टर्स ऐसे किए जाएँ, वो तमाम वीडियो एक आपकी अपलोड की जाएगी, आपके लिए एज अ गिफ्ट होगी। तो वो वीडियो जो है वो यूट्यूब पर अपलोड नहीं होगी, वो वीडियो का मैं एक लिंक यूट्यूब पर शेयर करूंगा और वो उसका लिंक सिर्फ यानी उन बच्चों को दिखेगा जो सब्सक्राइब किया हुआ, जिन बच्चों ने, वो ड्राइव पर अपलोड होगी, तो सही है। तो यानी ये 2 से 3 दिन में अपलोड करूंगा, उसका जो लिंक है कम्युनिटी टैब में डालूंगा, लेकिन ओनली फॉर सब्सक्राइबर्स वो कर दूंगा, सही है, यानी हर हर बच्चे को नहीं दिख रही होगी, ओनली फॉर पब्लिक नहीं होगी, ओनली फॉर सब्सक्राइबर्स होगी, जिससे होगा ये कि जिन बच्चों ने सब्सक्राइब किया हुआ उन्हीं बच्चों को वो लिंक मिलेगा, वो वीडियो वॉच कर सकेंगे। सेकेंड, GK से रिलेटेड एक वीडियो आने वाली है, लास्ट ईयर भी मैंने वीडियो अपलोड की थी जिसमें अराउंड 7,000-8,000 व्यूज आए थे उस टाइम पर, और उसमें क्या था, क्या उसमें ये था कि मैंने कुछ MCQs बताए थे, शायद 8 से 9 MCQs डिस्कस किए थे कि इनमें से इस साल 2 से 3, 4 MCQs लगने वाले हैं, और ऐसा ही हुआ। वो वीडियो आप लास्ट ईयर की उठा कर भी देख सकते हो और पास पेपर भी देख सकते हो, तो मेरी वीडियो से अच्छे खासे MCQs लगे, यानी अराउंड 4 से 5 MCQs लग गए। इस साल भी वो वीडियो अपलोड करूंगा, लेकिन वो वीडियो आपकी दो पार्ट्स में होगी, एक यूट्यूब पर अपलोड होगी और एक मॉक टेस्ट के साथ, यानी मॉक टेस्ट में जो बच्चे इनरोल करेंगे उनको वो वीडियो सेकेंड पार्ट उनको दिया जाएगा, और इंशाल्लाह उसमें से अराउंड आपके 5 से 6 MCQ लगेंगे इंशाल्लाह। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, अल्लाह हाफिज़।